रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त ज़हीर रहमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप दोस्तों की खिदमत में जो स्पेशल और ख़ास वीडियो लेकर हाज़िर हूँ, काफ़ी दोस्तों का शुरू से लेकर सवाल था कि भाई बलिस्तान के पौधे कितना जल्दी बढ़ते हैं और इनकी उम्रें कितनी होती हैं। दोस्तों जो पौधे हम पहाड़ों से लेके आते हैं उनकी उम्रों का अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते, तकरीबन कम 5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी छोटे पौधे की उम्र हो सकती है। क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ये होता है कि बारिशें ना होने की वजह से पौधों की जो बारीक पतली टहनियाँ हैं, शाखें ऐसी वाली, वो सूख जाती हैं और बाकी जो मोटी वाली हैं वो ऐसे जैसे आपको नज़र आ रही हैं ये रह जाती हैं। फिर दोबारा जब मौसम में बाहर आ गया या मिसाल के तौर पर किसी मौसम में बारिश आ जाए तो पत्ते निकल आए, अगर ना हुई तो वहीं सूख जाते हैं। पौधों की उम्रें जो पहाड़ों के ऊपर होती हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा उम्रें होती हैं, लेकिन बहरहाल आपको जो आज वीडियो बनाने का मकसद यही था, काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि बलिस्तान के पौधे किस मौसम में ज़्यादा बढ़ते हैं और इनकी शाखें कितनी जल्दी बढ़ती हैं। दोस्तों अभी दिखाता चलूँ, अभी मौसम में जैसे आप जानते हैं ना, मौसम में सावन आ चुका है, सावन का मौसम गुजर रहा है, भादों का मौसम आ गया, ये सावन और भादों के मौसम में बढ़ते हैं ज़्यादा माशाल्लाह। अब देखें ये तकरीबन 1.5 माह तकरीबन हो चुका है इसको इन शाखों निकले हुए। अब देखें तकरीबन ये 1.5 फुट की शाखें हैं, ये मेरे घर में सऊदी अरब के अंदर मेरी ऐश पे ये लगे हुए हैं पौधे। अब देखिए तकरीबन ये 1.5 फुट की ये शाख है, ये तकरीबन ये 3 पौधे हैं, इनके ऊपर तीनों पौधे के ऊपर आप शाखें देख लें माशाल्लाह। ये आगे वाला बलिस्तान का नहीं है, ये बड़ा वाला जो आपको नज़र आ रही है एक और पौधा है जिसको मोर कहते हैं, ये है वो बलिस्तान के पौधे। अलहमदिल्ला पाकिस्तान के अंदर भी बलिस्तान के पौधे दस्तियाब हैं। जो भी मेरा दोस्त बलिस्तान के पौधे या बलिस्तान का रोगन हासिल करना चाहता है वो रब्ता कर सकता है, पाकिस्तान मंडी बवलदीन के अंदर बलिस्तान के पौधे और रोगन दस्तियाब है। बलिस्तान का जो रोगन है वो इंडिया के अंदर और यहाँ सऊदी अरब जद्दा के अंदर भी आपको मिल सकता है। अभी आपको दिखाता हूँ दूसरे जो मेरे पास आगे दूसरे पौधे पड़े हुए हैं उनके। दोस्तों ये हैं दूसरे पौधे मेरे पास बलिस्तान के, पीछे 3 आपने उस साइड में देखे थे, बाकी इस साइड में पड़े हुए हैं। एक पौधा ये लगा हुआ है, ये जो टहनियाँ माशाल्लाह इसकी टहनियाँ आपको दिखाने के लिए इस साइड पे लाया हूँ, ये तकरीबन 2 फुट की टहनी है। ये वही पौधा है जो पीछे आपने देखा, सेम वही पौधा है, ये मुरखा, ये बड़ा पौधा। ये आप देखें ये टहनी तकरीबन 2 फुट की है, आप देख लें माशाल्लाह तकरीबन 2 फुट की टहनी है, साथ में इसके एक और भी टहनी। ये इसी सीज़न में, इसी महीने में उसमें, ये सावन का महीना है, बारिशों का महीना है, यहाँ बारिशें सऊदी में हो तो कम रही हैं लेकिन मौसम वो बन चुका है, हल्की हल्की बारिशें कभी कभार होती रहती हैं। आप देख लें माशाल्लाह ये टहनी तकरीबन इस टहनी को शुरू हुए 2-3 माह चौके हैं, ये 2-3 माह के अंदर। बात तो ये है ना कि पौधे को अगर जगह अच्छी मिल जाए, आप देखें माशाल्लाह तकरीबन इसकी लंबाई 5 फुट है, इस टहनी की तकरीबन लंबाई 5 फुट हो चुकी है माशाल्लाह। इसके साथ दूसरे पौधे के ऊपर आप देखें, ये एक पौधा लहदा है और एक ये पौधा, इसकी माशाल्लाह 3 टहनियाँ हैं जो तकरीबन 2-2, 3-3 फुट, एक टहनी जो है तकरीबन 5 फुट हो चुकी है माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है क्योंकि ये पौधे मेरे पास नीचे लगे हुए हैं, नीचे लगने में और गमले में लगने में बहुत फ़ायदा है। काफ़ी दोस्तों ये सवाल करते हैं भाई हम कैसे लगाएं। भाई अगर आप मेरे घर से जो पौधा लेके जा रहे हैं वो गमलों में लगे हुए हैं, गमलों के साथ भी लगा दें, नीचे आपने अगर सुराख कर लें, जैसे ये सुराख हो चुका है, तो 2-3 सुराख कर लें साइडों पर, एक दरमियान में 1-2-3 कर लें, तो गमले को नीचे से लेके यहाँ तक आपने दफन कर देना, जितनी मिट्टी है गमले के अंदर उस मिट्टी के बराबर आपने गमले को नीचे दफन कर देना। तो ये तरीकाकार भी बहुत सही है, इससे ये होगा कि अगर पौधा आपको कभी बारिशों की वजह से पानी ज़्यादा लग रहा है तो जो गमले के अंदर पानी होगा वही आपके पौधे को असर करेगा, बाकी पानी बाहर होगा, बाहर का पानी गमले के अंदर नहीं जाएगा। कम से कम आपने 1 इंच, ये आप देख सकते हैं, 1 या 1.5 इंच गमले के अंदर फर्क रखना है। हाँ अलबत्ता सर्दियों के अंदर पानी खड़ा ना रहे पौधे के अंदर तो वही बेहतर रहेगा। अब माशाल्लाह देख सकते हैं ये साथ में और पौधा है, इसकी टहनियाँ मैं ऊपर से काटता रहता हूँ, ये लंबी हो गई थी क्योंकि अपने इस्तेमाल के लिए। अब देख सकते हैं इनकी टहनी मैं ऊपर से काट रहा था, ये साथ में पौधा एक और लगा हुआ है, यहाँ भी तकरीबन मेरे पास 5-6 पौधे लगे हुए हैं बलिस्तान के माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत पौधे हैं। ये भी जब अगली बार मौका मिलेगा, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है अगले साल, तो इन पौधों को भी पाकिस्तान में भेज दूँगा। दोस्तों काफ़ी दोस्तों का ये सवाल होता है, मैं पीछे वीडियो बना भी चुका हूँ, अब इसकी मिट्टी के ऊपर काफ़ी लोग सवाल करते हैं और पानी के ऊपर। दोस्तों इसका पानी, इसको गर्मियों में तो आप रोज़ भी दे सकते हैं तो मुश्किल नहीं है, सर्दियों में इसको पानी तकरीबन ना होने के बराबर देना है, नमी अगर हो तो पानी देने की ज़रूरत नहीं। तो इसकी जो मिट्टी है दोस्तों कोई भी मिट्टी चल सकती है, हाँ अलबत्ता अगर आपको भल वाली मिट्टी जो नर्सरी वालों के पास होती है, नर्सरी जो भल वाली मिट्टी मिलती है
वो डाल लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो पहाड़ों से पानी के साथ आती है, वो पहाड़ों की मिट्टी होगी तो वो भी बेहतर है। अगर ना भी मिले तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा हमारे घर में जो पौधे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वो जो मिट्टी है वो हमने यही खेतों से ला के गमलों में डाली हुई है, वो ख़ास मिट्टी है, कोई ख़ास इसके अंदर खाद वगैरह नहीं है। तो दोस्तों यही है इसका तरीकाकार है। माशाल्लाह ये मौसम सावन में ज़्यादा बढ़ते हैं या मौसम बाहर में बढ़ते हैं, ये दो मौसम में पौधों को धूप चाहिए होती है। कोई भी पौधा आप लें लगाएँ उसको धूप में लगाएँ, इसको सर्दी से यानी ज़्यादा पानी सर्दियों में ज़्यादा पानी से बचाएँ तो ये पौधा कभी ख़राब नहीं होता। ये इतना पौधा सख्त होता है, इसको आप निकाल के 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप मिट्टी के बगैर बाहर भी रख दें कहीं छाँव में तो ये सूखता नहीं है, फिर भी आप लगाएंगे तो लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से सेल हो रहे हैं। आप दोस्तों ने अगर रब्ता करना है तो इसी नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पर आपको बिलसान के पौधे दिए जाएंगे। अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त ज़हरवान, अल्लाह हाफिज़।